सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ओए कोचिंग सीपैट के शेयर के बारे में। देखेंगे इसमें 8 अक्टूबर के लिए कौन से लेवल्स और कौन से टारगेट्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर हमारे सामने एक सपोर्ट लेवल था जो कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 1630 रुपये का, राइट। तो इसको स्टॉक ने आज ओपनिंग में ही इसको ब्रेक डाउन कर दिया, पहले कैंडल में इसका ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन होते अब देखेंगे स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट रहा और यहाँ पर स्टॉक लो लगा, आप देख सकते हो एग्जैक्टली 1562 रुपया के पास में, ठीक है। तो इसने 1562 रुपये को इतना स्ट्रांगली सपोर्ट बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक काफ़ी समय तक सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर एक सस्टेन कर रहा है, तो सपोर्ट लाइन के पास में सस्टेन कर रहा है और प्रीवियस का जो लेवल था उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया है। तो अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने रहेगा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1599 या फिर ऑलमोस्ट 1600 का लेवल है। तो अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर सपोर्ट लेता है और बाउंस करता तो 1600 लेवल को पहले हिट करेगा, 1600 लेवल को ब्रेकआउट करते ही स्टॉक 1630 रुपये को हिट कर देगा, ठीक है। ये आपके सामने दो टारगेट्स लेवल रहा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। और एक बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये जो सपोर्ट लेवल है 1560 का हमने ड्रॉ किया है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, पूरा आज दिन भर इसके नीचे इसके ऊपर ही रुका रहा। तो इनकेस अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं, इसको अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो यहाँ पर बड़ी गिरावट आपको फिर से देखने को भी मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ बनाई गया है, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।